विवाहित पुरुषों की समस्या, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। ये वीडियो के बारे में आपको जो भी सवाल होंगे वो सवाल आप हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड कीजिए। ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब हम आपको वहां से देंगे। विवाहित पुरुषों की समस्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं आज। क्या रहा है कि विवाहित पुरुष है, 40-45 साल की उम्र हो चुकी है, एक या दो बच्चे हैं और अभी उसको प्रॉब्लम ये सताता है कि समझो वो ऑफिस में है या बिजनेस में है, वहां उसको शाम को 6-7 बजे ऐसे आइडिया या विचार आते हैं कि रात में सेक्स करना चाहिए। उसकी तो इच्छा कभी भी आ सकती है और कभी भी विचार आ सकते हैं। उसको लगता है कि अभी घर जाने के बाद में हम सेक्स करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि और विवाहित पुरुष बोलते हैं कि पत्नी सेक्स को नकार देती है, बोलती कि मेरी इच्छा नहीं है, मैं थक गई हूँ, दिन भर काम किया। व्यक्ति बोलता है, आदमी बोलता है कि भाई मैंने इसके लिए सब कुछ किया, मैं उनके लिए काम पे जाता हूँ, मैं दिन भर काम करता हूँ, इनके लिए मैं कमाई करता हूँ, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए कमाई करता हूँ, उनको मैं बाहर ले जाता हूँ हफ्ते में एक बार, उनको कोई गहने होना है तो वो परचेस करके देता हूँ, उनको कपड़े खरीद के देता हूँ, उनको मूवी ले जाता हूँ, मॉल में ले जाता हूँ, मैं मेरे पत्नी के लिए क्या नहीं करता, सभी कुछ करता हूँ और वो एक मेरी इच्छा नहीं पूरी करती। शाम को मुझे सेक्स होना है तो वो नहीं पूरी करती, वो नहीं बोलती है। तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि वो नहीं क्यों बोलती है, नहीं बोलने का कारण क्या है। हो सकता है कि उसको मजा ही नहीं आता है, उसकी इच्छा कभी पूरी हुई नहीं, उसका सेक्स समाधान कभी हुआ नहीं, वो परमोच्च सीमा पे एक्साइटमेंट के परमोच्च अवस्था जो रहती है उसमें कभी गई नहीं। हो सकता है कि वो क्षण जाने के पहले ही पुरुष शांत हो गया, वो बाजू हो गया और उसको भी करने की इच्छा है तो आगे हुआ ही नहीं, तो फिर धीरे धीरे उसकी इच्छा कम होती गई, मरते गई, वो भी हो सकता है। तभी इसके लिए फिर करना क्या है, इसके लिए करना यही है कि दो तीन बातें मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप यदि करते हैं तो आपको उसमें फायदा होगा। एक तो क्या है कि स्त्री को हरदम ऐसा लगता है कि मुझे चाहने वाला कोई तो भी है। तो आप ऑफिस में भी है, बिजनेस में है, तभी भी व्हाट्सएप से उसके संपर्क में रह सकते हैं, व्हाट्सएप से कोई मैसेजेस दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपने खाना खाया, क्या चालू है, आई लव यू, आई एम मिसिंग यू। तो उसको लगता है कि ठीक है, अपने को चाहने वाला कोई तो भी है। नंबर दो, यदि आप जब घर पे आते हैं तो घर पे आने के बाद में आपके दिमाग में आप अपने को सेक्स करने का है, उसके दिमाग में तो कुछ भी नहीं है, वो तो शाम का खाना पकाना, बच्चों को खिलाना, उसमें लगी हुई है। यदि आप घर जाने के बाद में उसकी पूरी सुन लेते हैं, ना दिन भर में घर में है वो, बहुत तकलीफ सहन की हुई है, उसको कुछ तो भी बोलना रहता है, बहुत सारा बोलना रहता है, तो घर जाने के बाद में ऐसा ना लगता है क्या कटकट लगा दिया, वही बच्चों का रोना, बच्चों ने क्या किया, ये किया, माँ ने क्या बोला, फलान ने क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पानी नहीं आया था, ये सब सुनना है तो नहीं होना भैया। तो आदमी लोग क्या करते, घर जाने के बाद में टीवी लगाते, कॉफ़ी पीते और टीवी देखते बैठते, बोले बोल सुनाओ मत क्या तकलीफ हुई। तो ऐसा ना करते हुए सुनना, यदि आपने सुनना चालू किया तो उसमें बहुत फर्क पड़ जाएगा। सुनना और जस दोबारा दोहराना जो बोलती हो, ताकि उसको समझ में आए कि इनको समझा मैं क्या बोल रही हूँ और मैंने कितनी तकलीफ सहन लिया दिन भर में, वो इनको समझ में आ गया तो उसको फिर अच्छा लगता है कि नहीं मेरे को समझने वाला कोई तो भी है, अपना कोई तो भी है। तो ये दूसरी बात है। और तीसरी बात जो है कि वो जो काम करती है, कि जो उसको ही करना पड़ता है पत्नी को आपके शाम के समय, कि उसको लगता है कि ये काम किसी ने भी कर लिया तो अच्छा रहेगा, तो उसमें उसका हाथ बटाना, मतलब कोई तो भी काम जो वो कर रहे हैं ना उसमें उसको थोड़ी मदद करना। अब क्या होता है कि जब आप उसके साथ में मदद करते हो तो क्या होता है, आपस में इंटरेक्शन होती है, बातचीत होती है, उसको भी अपनापन लगता है और ये करते तो खुश भी हो जाती है। और फिर आप यदि रात में बात निकालते हैं कि नहीं अभी सेक्स करना है, तो फिर उसमें भी वो खुशी खुशी हाँ बोलेंगी। तो इसका समरी क्या है, समरी ये है कि आप अपने दिमाग में सेक्स की इच्छा सिर्फ न रखते हुए बाहर उसको क्या मिलेगा वो देखना जरूरी है। एक तो मैंने बोला दिन भर में संपर्क में आप रहते हैं कुछ ना कुछ कारण से, नंबर दो घर में आने के बाद में सुनते हैं, और नंबर तीन कुछ ना कुछ काम में बांट लेते हैं और काम में हाथ लगा के उसको मदद करते हैं, और नंबर चार सबसे महत्व का सेक्स करने के समय पहले फोर प्ले करते हैं। फोर प्ले मतलब काम क्रीड़ा, क्योंकि देखो जो आवेश जोश जो आदमी को रहता है तो जोश से आवेश से उसको लगता है कि जल्दी मैं सेक्स चालू कर दूं, स्त्री को लगता है कि वो धीरे धीरे होना चाहिए। तो जो परमोच्च अवस्था जो है उसकी
उसको वो अवस्था को आने के लिए उसको लगता है कि नहीं आराम आराम से वो उसने वो करना चाहिए, सेक्स करना चाहिए। तो इसलिए काम क्रीड़ा करना जरूरी है। शुरू में अच्छी बातें करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं, दिन भर में क्या उसके बारे में बातचीत करते हैं, फिर धीरे 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 फोर प्ले और बढ़ा के फिर इंटरकोर्स करना, और इंटरकोर्स के बाद में फिर आफ्टर प्ले। आफ्टर प्ले बहुत जरूरी है। होता क्या है कि पुरुष वीर्य स्खलन होने के बाद में तुरंत बाजू में हो जाता है, स्त्री का हुआ कि नहीं हुआ, उसको अच्छा लगा कि नहीं लगा, उसको परमोच्च सीमा परिसीमा एक्साइटमेंट की आई थी क्या, उसकी कुछ भी कदर न करते हुए यदि वो बाजू हो गया तो उसको एक भावना आती है कि मुझे इसने निग्लेक्ट कर दिया, मेरे को पूछा ही नहीं, मेरे बारे में सोचा ही नहीं, फिर अगले बार के लिए वो तैयार नहीं होती। तो आफ्टर प्ले करना मतलब वीर्य स्खलन होने के बाद में उसके साथ में रहना, बातचीत करना, और उसको हुआ कि नहीं हुआ उसकी केयर करना, और नहीं होता है तो फिर उसका भी दोनों का भी मतलब उसका भी समाधान हो जाएगा, अपना भी समाधान हो जाएगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं वो ट्रीटमेंट लेना ये जरूरी है। तो ये आप करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो समस्या है वो समस्या का हल मिल जाएगा। ये आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी विवाहित पुरुषों को ये वीडियो शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।